भारत में बॉलीवुड की तरह ही क्षेत्रीय सिनेमा भी खूब धूम मचा रहा है। मराठी सिनेमा हो, पंजाबी सिनेमा हो या फिर भोजपुरी सिनेमा, इन क्षेत्रों के कलाकार इन सिनेमा में काम करके खूब नाम कमा रहे हैं। दक्षिण भारत के सिनेमा की धाक तो इतनी है कि वो बॉलीवुड पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच हरियाणा के कलाकारों को भी उम्मीद है कि हरियाणवी भाषी सिनेमा भी आने वाले दिनों में इन्हीं क्षेत्रीय सिनेमाओं की तरह अपनी धाक जमाएगा। लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार से कुछ उम्मीद है। रोहतक पहुंची सपना चौधरी ने अपने इस दर्द को बयां किया कि हरियाणवी सिनेमा को सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, हमारी सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है। पंजाबी आर्टिस्टों को उनकी सरकार सपोर्ट करती है, भोजपुरी आर्टिस्टों को उनकी सरकार सपोर्ट करती है। अगर हमें सब्सिडी मिले, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान ही है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? बात हम एंटरटेनमेंट जब देंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसे बहुत बड़ी चीज़ है हमारी इस लाइन में। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें सरकार सपोर्ट करेगी तो, और हमने की हुई है, सभी आर्टिस्टों ने कोशिश में है कि सब्सिडी मिले। जिस दिन सब्सिडी मिली उस दिन चंद्रावल ही बनाएंगे, आप टेंशन मत। तो देखना ये होगा कि सपना चौधरी की ये बात अब खट्टर सरकार कितनी सुनती है और क्या हरियाणा की कला को बढ़ावा देने के लिए हरियाणी सिनेमा को भी क्या कोई सरकारी मदद मिल पाती है। वायरल कीड़ा न्यूज़।